वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि UGC की लेटेस्ट प्रेस रिलीज हुई है। ये प्रेस रिलीज 18 तारीख को हुई है। प्रेस रिलीज में क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रेस रिलीज में एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्रावधान है। ये प्रेस रिलीज का कंक्लूजन है। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में क्या है देख लेते हैं और पूरी की पूरी प्रेस रिलीज पढ़ लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों सहित विश्व भर से बड़ी संख्या में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों ने परीक्षा संचालित की है या संचालित करने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। विद्यार्थी के विश्व स्तरीय शैक्षणिक और कैरियर की प्रगति के संबंधित हितों के रक्षा के ध्यान में रख के 29 अप्रैल 2020 को परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में दिशा निर्देशक जारी किए गए, जिसमें उल्लेख किया गया था कि टर्मिनल सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर की एग्जाम 15 जुलाई 2020 को हो सकती है। बढ़ती हुई कोविड-19 की महामारी की स्थिति को देखते हुए जुलाई 2020 के महीने में परीक्षा का संचालन करना कठिन था। जो पहले कहा गया था कि 15 जुलाई तक एग्जाम हो सकेगी, बट बढ़ती हुई कोरोना की महामारी की वजह से एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विशेष समिति की रिपोर्ट के निर्देश के अनुसार UGC ने परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में 6 जुलाई 2020 को नई गाइडलाइन जारी की। यानी कि जो महामारी की वजह से एग्जाम लेट हुई थी, लेटेस्ट गाइडलाइन है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर सब स्टेट के और सबने मिलकर एक गाइडलाइन तैयार की है। इस गाइडलाइन में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम लेने का प्रावधान रखा है। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का पालन करते हुए टर्मिनल सेमेस्टर, अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करनी होगी। इस पद्धति से सितंबर 2020 के अंत तक पूरे करने के लिए योजना की तैयारी की गई थी। जो एग्जाम कंडक्ट करनी है सब एग्जाम को सितंबर महीने तक एग्जाम को कंडक्ट कर लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। तो उससे पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहुंच नहीं सकते इसके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करेगा। जो विश्वविद्यालय द्वारा जब भी संभव हो संचालित की जा सकती है ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा नुकसान ना हो। UGC ने अपने 8 जुलाई 2020 के पत्र द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सुझाव गए अनुसार मानव संचालन प्रक्रिया SOP को संशोधित किया है। डेली एजुकेशन न्यूज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट सर्कुलर देखने के लिए स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सर्कुलर में दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय को परीक्षा के संचालन की स्थिति की अवगत कराने के लिए आग्रह किया था कि एग्जाम कंडक्ट करना है कि नहीं करना है। इसमें 914 विश्वविद्यालयों का रिप्लाई आया है। इनमें से 715 विश्वविद्यालयों से 560 विश्वविद्यालयों ने परीक्षा संचालित की है या तो परीक्षा को संचालन करने वाले हैं। यानी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। ऑनलाइन में या गूगल मीट से भी एग्ज़ाम ले सकते हैं और ऑनलाइन MCQ एग्जाम भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ऐसा लेटेस्ट गाइडलाइन में कहा गया था। 194 विश्वविद्यालय पहले ही परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ले चुकी है। इस महामारी में, कोरोना महामारी में 194
यूनिवर्सिटी ने एग्जाम को कंडक्ट कर लिया है और 366 विश्वविद्यालय अगस्त या सितंबर में परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से लेने वाले हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट की एग्जाम कैंसिल होने वाली है नहीं, आपकी एग्जाम अगस्त या सितंबर महीने में हो सकती है। इसके अतिरिक्त 27 निजी विश्वविद्यालय जो 1920 के दौरान आज तक स्थापित की गए हैं थे, उनका पहला बैच भी अभी तक अंतिम परीक्षा लिए पात्र नहीं बना है। जो इसका अंतिम सेमेस्टर का जो पात्र बने नहीं है पहले सेमेस्टर की एग्जाम देने के लिए, इसको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज थी यूजीसी की। यूजीसी की तरफ से फाइनल ईयर की एग्जाम कंडक्ट करने को कहा गया बस। बट इस तरफ से देखा जाए तो हाल फिलहाल महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में किया है कि फाइनल ईयर सेमेस्टर की एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए या तो मास प्रमोशन दिया जाए। पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, तीनों हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन किया गया है कि फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए या मेरिट बेस्ड प्रमोशन दिया जाए। इस कोरोना की महामारी में एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और आपने देखा होगा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें भी बताया है क्लियरली कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए या तो मास प्रमोशन दे दिया जाए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए तो कौन से मोड में एग्जाम होनी चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और डेली एजुकेशन न्यूज, गवर्नमेंट सर्कुलर, गवर्नमेंट जॉब के सर्कुलर, प्राइवेट जॉब के सर्कुलर, डेली करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्वयं स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको फ्रेंड को भी पता चले कि यूजीसी की लेटेस्ट प्रेस रिलीज में क्या क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।